तो गाइस यार आज की जो वीडियो है उसके अंदर हमारे पास है यहाँ पर हीलियम गैस और साथ ही साथ हमारी कार। अब गाइस यार जो हीलियम गैस होती है ना वो हवा से काफी ज्यादा हल्की होती है, यानी कि अगर उसे हम किसी भी चीज के अंदर भर दें तो वो चीज हवा में उड़ जाती है। जी हाँ गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम भरने वाले हैं इस हीलियम गैस को अपनी कार के अंदर और फिर देखते हैं कि हमारी जो कार है वो हवा में उड़ती है या फिर नहीं उड़ती है। यार ऑब्वियस सी बात है कि नहीं उड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जो खुद टंकी है ये ही उड़ जाती। लेकिन गाइज रुको रुको यार, मतलब ऐसा मत सोचो कि वीडियो के अंदर मजा नहीं आने वाला है, फिर कार तो नहीं उड़ रही है। हमने जानबूझ के थंबनेल और टाइटल को इस तरीके से बनाया और लिखा है ताकि आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो सच में बहुत ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। क्योंकि जो हीलियम गैस है ना वो हल्की होने के साथ साथ और भी कई सारे कमाल के गुण अपने अंदर समाए रखती है। जैसे कि एक गुण ये है कि अगर हम हीलियम को इनहेल कर ले, यानी कि अपने अंदर ले ले ऑक्सीजन की जगह पे, तो ये अपनी आवाज को चेंज कर देती है। कैसे? मेरे पुराने व्यूअर्स तो अच्छे से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें एक बारी में करके बता देता हूँ। तो गाइस यार इस बलून के अंदर अभी है हीलियम गैस, और अगर मैं इसे इनहेल करता हूं तब देखना क्या होता है। मेरे जो आवाज है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है। गाइस यार यकीन मानो हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की वॉइस एडिटिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। हीलियम ने मेरी आवाज को कुछ इस तरीके से परमानेंटली चेंज कर दिया है, यानी कि जब तक हीलियम गैस मेरे अंदर रहेगी तब तक मेरी आवाज जो है वो कुछ इसी तरीके से आती रहेगी। और जैसे ही हीलियम गैस मेरे अंदर से बाहर आ जाएगी मेरी जो आवाज है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो आज का आइडिया ये है कि हम क्या करने वाले हैं, इस हीलियम गैस को पूरी तरीके से इस गाड़ी के अंदर भरने वाले हैं। ये ठीक वैसा ही होने वाला है जैसे कि मान लो यार कि अपन ऐसे एक प्लेनेट या फिर ऐसे एक ग्रह की खोज कर ले जहां पर हीलियम गैस हो, ऑक्सीजन ना हो, तो वहां पे सोचो कि इंसानों का रहना कैसा होगा, उनकी जो आवाज है वो किस तरीके की होगी। तो आज की इस वीडियो में यही देखने लायक चीज है, तो इस वीडियो को पूरी देखना शुरू से लेकर एंड तक। और भाई एक बात बता दूं अच्छे से, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जान जाने का भी बहुत ज्यादा खतरा है। कैसे? आगे वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। इसीलिए इतनी बड़ी रिस्क लेने के लिए इस वीडियो को लाइक करना बनता है। इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं 1 मिलियन लाइक्स, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो यार, 20 मिलियन करते हैं जल्दी से जल्दी। हम शुरू करते हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो। तो गाइस यार इस एक्सपेरिमेंट को करना इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, क्योंकि हम सीधे ही अपनी गाड़ी के अंदर हीलियम नहीं भर सकते हैं, और अगर सीधे ही भरते हैं तो फिर उसके अंदर बैठ नहीं सकते हैं। इसीलिए गाड़ी के अंदर आओ हमने एक सिस्टम बना रखा है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी बंदे शामिल होंगे उन्हें जो है फ्रेश ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी। अभी देखो कि इसके अंदर मरने का खतरा किस तरीके से। देखो हालांकि हीलियम नॉन टॉक्सिक होती है, यानी कि जहरीली गैस नहीं होती है, इसीलिए एक दो बार इनहेल करने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की जगह सिर्फ हीलियम ही इनहेल करते रहे तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और कुछ ही मिनटों के अंदर अपना ब्रेन काम करना बंद कर देगा और खेल खत्म, यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इसीलिए ऐसा ना हो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का सिस्टम बना रखा है जो कि एक तरीके से ऑक्सीजन मास्क का काम करेगा। तो गाइस यार इसे हमने क्या किया है, ये जो गाड़ी की छत है इससे बाहर निकाल रखा है, यानी कि जब हम इस गाड़ी के अंदर हीलियम गैस भर देंगे तब अंदर हमें सांस लेने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो पाइप्स हैं ये काम आएंगे। और ऊपर से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से पूरी तरीके से इसे एयर सील कर दिया है, यानी कि इसके अंदर से हीलियम ना तो बाहर आएगी ना ही कोई दूसरी जो हवा है वो अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम है कि जो अंदर की हवा है ना गाइस, अब जो अंदर हवा है वो तो नॉर्मल है यार, और हमें तो इसके अंदर हीलियम भरनी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अंदर की हवा को बाहर निकालना होगा ताकि हम उसके अंदर हीलियम भर सके। अब ऐसे फावड़े की तरह ऐसे तो हवा को बाहर निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सा आइडिया काम में ले रहे हैं। हमारे पास है यहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर बलून, तो हम क्या करेंगे, हम इन सभी मॉन्स्टर बलून्स को हीलियम के द्वारा भरेंगे, यानी हीलियम से फुलाएंगे और फुलाने के बाद सीधे ही ले जाके अपनी गाड़ी के अंदर रख देंगे।
तो जितना स्पेस हीलियम कवर करेगी उतनी जो हवा है वो गाड़ी से बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से हम काफी सारे गुब्बारे फुलाते जाएंगे और भर भर के इसके अंदर रखते जाएंगे और उसके बाद में हम गाड़ी के अंदर जाएंगे और उन सभी गुब्बारों को फोड़ देंगे गाड़ी को बंद करने के बाद। तब अंदर का जो माहौल होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ हीलियम का। बहुत ज्यादा बातें हो गई, चलो अब एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लगभग हमारी गाड़ी को हीलियम से भरे हुए गुब्बारों से भर दिया है। तो चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तीन जने पार्टिसिपेट करेंगे, मैं, वीरेंद्र और विक्रम। और गाइज़ यार हमारे पास एक और हीलियम की टंकी है छोटी वाली, उसे भी अंदर रख लेते हैं ताकि अगर कम रहा कुछ भी तो उसको भी खोल देंगे, है ना। अंदर रख दो वहाँ पे मेरे पैरों में। हाँ भैया ठीक है। और गाइज ये वाला गेट बंद करते हैं, वीरेंद्र वाला। वीरेंद्र ने मास्क लगा लिया, देखो कैसे लग रहा है, लग रहा है कोरोना का मरीज। मोटे बैठ, बलून लेके बैठ जा। गाइस आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी के अंदर जगह नहीं है, यानी कि बहुत सारी हीलियम यहां पर है। और दरवाजे बंद होने के बाद मास्क लगाते ही हम इन्हें फोड़ लेंगे, जगह ही नहीं बच रही बिल्कुल भी। गाइस पीछे करो गुब्बारा, ये वाला भी पीछे करो। मुझे नहीं मार रहा मेरा तो। गाइस जगह ही नहीं बच रही है गुब्बारे के लिए। ठीक है गाइस करो बंद। गाइस गेट तो बंद हो गया है और अभी एक गुब्बारा फोड़ लेते हैं। मास्क लगा ले, मोटे मास्क लगा ले। इसको ही फोड़ते हैं। फोड़ दे, लगी, फोड़ दे, फोड़ दे, फोड़ दे। कैमरा चला। अब गाइस क्या करते हैं, अब ये जो टंकी है इसको भी खोल लेते हैं ताकि पूरी हीलियम। मेरे तीन गिनने के बाद तीनों एक साथ मास्क हटाएंगे और अंदर की हवा को इनहेल करेंगे कि कैसी हवा जाती है। हेलो 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 गाइस, हमारी हवा चेंज हो गई, मेरी हवा चेंज हो गई। आपकी आवाज इतनी कैसे आ रही है गाइस? गाइस यार हवा चेंज हो गई। और तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम। और तेरा नाम क्या है? वीरेंद्र। हवा चेंज हो गई मेरी, हवा चेंज हो गई मेरी भी। वोटे वोटे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सब बच्चे जैसी आवाज आ रही, बच्चे जैसी। गाइस यार मतलब थोड़ा थोड़ा सा दम घुट रहे। गाइस यार जो आवाज है ना बिल्कुल वो ऐसी लग रही है बच्चे जैसी। और है ना यकीनन हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो काम कर रहा है। अंदर गर्मी हो रही है लेकिन मतलब जो हीलियम है वो हवा से हल्की अलग ही आवाज आ रही है। तो एक बार सांस फूल रही है, सांस में दिक्कत आ रही है। ऑक्सीजन लेना जरूरी है वरना है ना ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। और यहाँ पे है ना हीलियम का जो असर है वो काफी देर तक रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हीलियम ही है। बाहर अगर अपन बात करते हैं ना तो बाहर तो जो है हीलियम का असर कम हो जाता है क्योंकि मतलब कि अपन नॉर्मल हवा लेने लग जाते हैं लेकिन सही में आवाज आवाज मेरी लड़की बन गया। लड़की गाइस ये लड़की बन गया। वीरेंद्र तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र है। अपने बारे में कुछ बता। मैं 20 साल का हूँ। तो गाइस यार इसके अंदर सच में हमारी आवाज है वो चेंज हो गई। हम तीनों लड़कियां बन गए। लड़की जैसी आवाज आ रही मेरी तो। अरे तेरी आवाज चेंज हो गई, वीरेंद्र की भी चेंज हो गई, चेंज हो गई आवाज। अबे ऑक्सीजन लेते रहो वरना मर जाओगे। सर दुखते है क्या? मेरा हेडेक हो रहा है। हेडेक इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, इस वजह से सिर दर्द होता है। और साथ ही साथ अंदर गर्मी भी हमें लग रही है लेकिन खुशी इस बात की है कि आवाज चेंज हो गई हमारी।
के बाद मोटे अपना नाम वाम कुछ बता। मेरा नाम विक्रम सिंह रावत है, इनका नाम दिलराज सिंह है, इनका नाम वीरेंद्र है। और तो सांस ले सांस ले सांस ले। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो। बहुत गर्मी हो रही है और गाइस इस एक्सपेरिमेंट को हम अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं भाई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से हमारा दम भी घुट सकता है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। बाहर के अंदर सिर्फ हीलियम है, अगर हीलियम कम है ना तो वो सिर्फ पैरों में है, क्योंकि हीलियम हल्की है तो यहाँ पे तो नॉर्मल हवा है, लेकिन जो हीलियम है वो यहाँ पे हमारे चेहरों के आसपास में हीलियम जमा है। तो हम जो भी अंदर हवा ले रहे हैं वो हीलियम है, और हमारी आवाज कुछ इस तरीके की है। मेरा सांस फूल रहा है, सच में आवाज चेंज हो गई यार। तो गाइस यार बस आई होप आपको पता पड़ गया होगा, अगर कार के अंदर हीलियम भर देते हैं तो क्या होता है, आवाज कुछ इस तरीके से चेंज हो गई है। ला 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 ला। जब तक अंदर वो वाली हवा है तब तक नॉर्मल आवाज रहेगी, और जब जैसे ही अंदर वाली बाहर वाली हवा बाहर जाएगी और मैं ये हवा इनहेल करूंगा, फिर से आवाज चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो गाइस यार बस इस एक्सपेरिमेंट का इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा सर दुखने लग गया। वीरेंद्र तेरा कितना? मेरा सिर दुख रहा है, सांस फूल रही है और यहाँ से सर दुख रहे हैं। तो हम बाहर निकलते हैं ताकि हमारी आवाज और सब नॉर्मल हो जाए, और जैसे ही मैं दरवाजे खोलूंगा सारी जो हीलियम है वो गाड़ी से बाहर निकलेगी और चली जाएगी। तो गाइस अब बाहर निकलते, बाहर निकल जाओ। सर दुख रहा है मेरा, सर दुख रहा है। अब जाके हमारी आवाज नॉर्मल हुई है गाइस, अंदर पूरा जो है हम तीनों की आवाज लड़कियों जैसी हो गई, और गर्मी अंदर भयंकर, और अब जो है अंदर का असर भी मे भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि गेट खोलते ही सारी हीलियम हवा से हल्की होने की वजह से बाहर निकल गई। प्लीज यार ऐसा ट्राई मत करना, ये काफी मजेदार था लेकिन प्लीज ट्राई मत करना, क्योंकि है ना अभी से हमारा हेडक शुरू हो गया है, गर्मी हो गई है, फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं। और मदर अर्थ की थोड़ी इज्जत करो यार, पोल्यूशन मत फैलाओ बिना मतलब। हाँ नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो करनी है करो, गाड़ी चलानी है चलाओ, सब कुछ करो, लेकिन पेड़ों को मत काटो यार, पेड़ों को काटना बिना वजह का होता है। अभी देखो ना अंदर सिर्फ हीलियम थी तो हमें ऑक्सीजन की कमी से सिरदर्द हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, अगर अंदर ऑक्सीजन के मास्क नहीं होते तो हम अभी सिर्फ 2 मिनट अंदर रुक पाए, 2 मिनट भी लगभग नहीं रुक पाएंगे, अगर ऑक्सीजन के मास्क हमने नहीं लटकाए होते तो उतनी देर भी हम नहीं रुक पाते। तो गाइस यार फाइनली ये थे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट, और ये होता है अगर हम अपनी गाड़ी को हीलियम गैस से फुल भर दे, अंदर जो भी बैठा है उसकी आवाज चेंज हो जाएगी, दम घुटेगा, वो मर भी सकता है, लेकिन मजेदार था। तो गाड़ी तो नहीं उड़ी लेकिन मजा आ गया, हम खुद उड़ गए, हम हाई हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यस।